एक चीज जो है जीनत के बारे में वो आवाज है, ठीक है, बाकी चीजें तो आ गई। आवाज का मसला कि औरत की आवाज भी छुपाने की चीज है या नहीं, इसके बारे में भी इख्तलाफ है। इसमें मैं मारिफुल कुरान से मौलाना मुफ्ती शफी साहब ने जो लिखा है वो आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब कहते हैं, औरत की आवाज का मसला, क्या औरत की आवाज फी नफ्सी ही सतर में दाखिल है, यानी उसको भी छुपाना चाहिए, और गैर महरम को आवाज सुनाना जायज है, यानी औरत का किसी मर्द से बात करना या औरत की आवाज सुनना, ये आपने आमतौर पर ही बहस सुनी होगी। लिखते हैं कि इस मामले में हजरत आइम्मा का इख्तिलाफ है। इमाम शाफी की कुतुब में औरत की आवाज को सतर में दाखिल नहीं किया गया। हनफिया के नजदीक भी मुख्तलिफ अकवाल हैं। इब्ने हुमाम ने नवाजिल की रिवायत की बिना पर सतर में दाखिल करार दिया है, इसीलिए हनफिया के नजदीक औरत की आजान मकरूह है। लेकिन हदीस से साबित है कि अजवाज मुतहरात नुजूल हिजाब के बाद भी पसे पर्दा गैर महारिम से बात करती थीं। इस मजमुआ से राजे और सही बात यह मालूम होती है कि जिस मौके और जिस महल में औरत की आवाज से फितना पैदा होने का खतरा हो वहां ममनू है, जहां ये न हो जायज है। एहतियात इसी में है कि बिला जरूरत औरतें पसे पर्दा भी गैर महरमों से गुफ्तगू न करें। और ये बहुत मोतदिल राय इन्होंने लिखी है, और मैंने इनकी इसलिए पढ़ के सुनाई है कि आमतौर पर जब जैसे कैसेट रिकॉर्डिंग और उसको सुनवाने का मसला आता है तो आपने देखा होगा कि मजहबी तबके में इसके बारे में बहुत रिएक्शन है, औरत की आवाज क्यों रिकॉर्ड की जा रही है, क्यों सुनाई जाती है, और खसूसन हनफी मजहब को फॉलो करने वालों की तरफ से इसके बारे में आमतौर पर रिएक्शन आता है। तो मैंने इसीलिए इस तफसीर का हवाला आपको दिया है, और इसमें इन्होंने दोनों बातें लिख दी हैं कि जहां फितना हो, और फितना अमूमन किस आवाज पर होता है, जैसे गाया गया हो ना, कुछ गाना गाया जा रहा है या ऐसे अल्फाज बोले जा रहे हैं कि जिसमें दूसरे को अपनी तरफ माइल किया जा रहा है, यानी अपनी जात की तरफ। कुरान पाक में सूरत अल अहजाब में अजवाज मुतहरात को जो तलकीन की गई वो ये थी, आयत नंबर है 32 सूरत अल अहजाब 22वें से पारा शुरू में शुरू हो रहा है, या निसा अन नबी, ए नबी की बीवियो, लस्तुन्ना, नहीं हो तुम, का अहद मिन निसा, किसी एक की तरह भी औरतों में से, यानी तुम्हारा मकाम आम औरतों से बहुत बुलंद है। इन तकईतुन्ना, अगर तुमने तकवा इख्तियार किया तो उस तकवा का तकाजा क्या है, फला तखदान बिलकौल, कि तुम ना खुजू यानी ना नरमी से बात करो, फयत्मा अल्लजी, यानी जब किसी मर्द से तुम्हारी बात हो रही हो तो ऐसी दबी आवाज में बात ना करो कि जिससे ये नतीजा निकले, क्या, फयत्मा अल्लजी फी कल्बी ही मरदुन, कि तमा रख बैठे वो शख्स जिसके दिल में कोई बीमारी है, यानी जो नीयत का खराब शख्स है या दिल का खराब शख्स है वो तुमसे बात करके तुमसे कोई गलत तवक्को रख बैठे। तो इसमें खास तौर पर उस गुफ्तगु का जिक्र है जो बराह रास्त एक औरत और मर्द के दरमियान हो रही हो, कि ऐसी गुफ्तगु ना की जाए कि जिसमें दूसरा कोई उम्मीद लगा के बैठ जाए कि ये खातून मुझ पर बहुत मेहरबान है और इनसे मैं जो चाहे तकाजा कर सकता हूँ, यानी गलत तकाजे की बात है। एक तो आम रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात है वो नहीं, यानी उस गलत बात की तरफ इशारा जा रहा है। और ये नहीं कहा कि बात ही ना करो या आवाज तुम्हारी कोई ना सुने, ये नहीं कहा गया। क्या कहा, वकुलना, और कहो, क्या कहो, कौलन, बात, कौन सी, मारूफा, मारूफ, मारूफ किसके लिए, अमर बिल मारूफ की जब आप बात करते हैं तो क्या मतलब है, जब आप कहते हैं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, तो मारूफ नेकी को कहते हैं ना, जानी पहचानी चीज को, लफ्जी माना है। तो इससे क्या पता चलता है कि नेकी की कोई बात जब इंसान, जैसे कोई दीन की बात है, कुरान की बात है, तालीम की बात है, अगर वो सिखा रहा है, और सीखने वालों में औरतें भी हैं, और अगर बराह रास्त नहीं इनडायरेक्टली मर्दों तक भी वो आवाज पहुंचती है, तो कुल न कौलन मारूफा में आती है वो चीज, ठीक है। और इसमें ये नहीं कहा गया कि चीख चिल्ला के बात करो या खुरदरे लहजे में बात करो, ये नहीं बात कही जा रही। बात यह है कि वो बात ना करो जिससे
دوسرا غلط مطلب نکال لے، غلط مطلب لے کر غلط توقع رکھ بیٹھے، سمجھ گئے؟ عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں، ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں، کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے.